प्राणी क्रिया और उसका मियां एक साथ जंगल में रहते थे। वो करीम के जंगल में मजदूरी करने जाता था। वो जल्दी वापस आ जाता था और सब्जी ले आता था, लेकिन आज वो जल्दी वापस नहीं आया था। तो इस पर रानी चिड़िया बहुत परेशान थी और सोचा कि सब्जी लेने कौन जाएगा। तो वो ऐसा करती है कि वो खुद ही सब्जी लेने चली जाती है। तो सफर बहुत ज्यादा होता है और वो है रास्ते में उड़ती हुई जाती है और सब्जी वाली टोकरी भी लेके जाती है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि उसे सब्जी वाली दुकान का पता भी नहीं था। तो जब वो थक हार कर फिर वो वापस आ जाती है तो घर में मियाँ को पाती है। मियाँ जी उससे पूछते हैं कि क्या मसला है। तो उसने कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं सब्जी लेने गई थी, मगर मुझे दुकान का पता नहीं था तो मैं वापस आ गई, मुझे सब्जी नहीं मिली। तो मियाँ उसे कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, मैं भी बहुत थका हुआ, हम इकट्ठे चलते हैं। और फिर वो वहाँ से उड़ जाते हैं और रास्ते में बातें भी करते रहते हैं। और उसका मियाँ उसको रास्ता भी दिखाता रहता है कि तुम मेरे गैर मौजूदगी में इस रास्ते से आकर सब्जी वाले की तरफ जा सकती हो। फिर वो सब्जी वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं और उधर गाजरों का रेट पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि 50 रुपए किलो है। तो वो कहती हैं कि आधा किलो दे दो। वो उसको पैसे देती हैं और सब्जी लेकर फिर वापस घर की तरफ चल पड़ती हैं। वो बहुत खुश होती हैं और क्योंकि आज उनको फ्रेश और ताज़ा गाजरें मिली थी। फिर वो घर आकर उसको काटती हैं और पकाती हैं। शुक्रिया।